वैसे सभी जानते हैं कि नेताओं में कुर्सी प्रेम कितना जबरदस्त होता है, लेकिन कभी कभी वो कुर्सी के लिए भिड़ भी जाते हैं। यूपी के बलिया में दिवंगत मुलायम सिंह यादव की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए। फिर क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। ये नजारा है यूपी के बलिया में एक कार्यक्रम का, जहां मंच पर कुर्सी को लेकर समाजवादी पार्टी के दो पदाधिकारियों के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई। दरअसल बलिया में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान मंच पर कुर्सी पर बैठने को लेकर पूर्व मंत्री व्यास जी गौड़ और पूर्व मंत्री काशीनाथ यादव के बीच जमकर विवाद हो गया। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिस मंच पर ये सब हो रहा था, वहाँ बीच में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी भी बैठे हुए थे, जबकि निवर्तमान जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव, काशीनाथ यादव के साथ समाजवादी पार्टी के नेता व्यास गोंड भी बैठे हुए थे। वायरल वीडियो में पार्टी के एक दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारी भी वहां पहुंच गए। उन्हें आगे की कतार में बैठाने के लिए पूर्व मंत्री काशीनाथ यादव ने व्यास गोंड को अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए कह दिया। बस फिर क्या था, इसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस हो गई। वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल भी हो गया। मंच का ये सीन जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 2050 तक सभी प्रमुख ग्लेशियर्स का एक तिहाई हिस्सा गायब हो जाएगा। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि 18,600 ग्लेशियरों का एक तिहाई हिस्सा गायब हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग हर साल करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रही है, जिसका असर ग्लेशियर्स पर पड़ेगा। और अनुमान के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ता रहा तो साल 2100 तक ग्लेशियर पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।